हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक आईलाइनर का रिव्यू, लिक्विड आईलाइनर से फ्रॉम माय ग्लैम। ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं, नॉट टिपिकल दैट ब्लैक कलर वाला लिक्विड आईलाइनर से। मेरे ख्याल से उसका क्वांटिटी 3.5 ml है, बट वो बॉटल इतनी सी ही दिखती है, इतनी छोटी सी ही उसका क्वान्टिटी दिखता है। तो आई डोंट नो इसमें एग्जैक्टली कितना रहेगा। And it is like, see, it comes in this packing like this. They all are colorful ones and not black या matte या ऐसा कुछ। For example, जो मैंने अभी apply कर रखा है वो purple color में है। Actually ये है ना, skin हर skin पर visible भी नहीं रहता। अगर आप बहुत ज़्यादा fair हो ना तो ये सारे कलर्स ऐसे पॉपअप जैसे आते हैं, या तो आप कंसीलर लगा के फिर उसके ऊपर अगर लगाओ तो उतने कलर्स दिखते हैं, वरना तो इतने पॉपी कलर्स नहीं दिखते इंडियन स्किन में ना, मेरे टाइप की स्किन पे। बाकी जो फेयर है उन पे तो दिखते ही है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन से कलर्स हैं इसमें। आउटर पैकेजिंग तो ऐसे ही है, सबकी सिमिलर है। उस पे दिया हुआ है शेड नेम्स। क्वांटिटी है 3.5 ml। एक्सपायरी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग 22, एक्सपायरी 25 एंड MRP 325 है। बट टू टेल यू, ये 325 पे तो वेबसाइट पे, माइग्लैम की वेबसाइट पे नहीं मिलता। इसमें बहुत ऑफर्स रहती है। जैसे इफ़ आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इफ़ आई रिमेंबर, मैंने 2 के प्राइस में 5 ऑर्डर किए थे। यस, 2 के प्राइस में 5 ऑर्डर हुए हैं। सो 600 में 5 लिक्विड लाइनर्स आपको मिलते हैं। सो फर्स्ट कलर इज दिस पर्पल, देन वी हैव दिस ब्लू कलर, फिर हमारे पास है दिस पिंक कलर, बेबी पिंक जैसा कलर है। देन ये बेसिक ब्लैक एंड ग्रीन कलर, ठीक है। सो इसका मैं हैंड स्वेच बताती हूँ, क्योंकि सारे निकालने करने में बहुत लंबा हो जाएगा। ये ग्रीन कलर है, बहुत अच्छा इसमें ये आता है, पिगमेंट बहुत अच्छा है एंड एप्लीकेशन भी बहुत इजी है। लिक्विड लाइनर्स लगाने की आदत जिनको है ना, उनके लिए एप्लीकेशन भी इजी है। ब्रश भी अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी पतला सा है, तो आप इसमें विंग लाइनर्स एंड ऑल आराम से क्रिएट कर सकते हैं। सी, सबका है ना पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। ये है पर्पल जो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। जस्ट होप आप लोगों को थोड़ा तो दिख रहा हो। एक्चुअली मुझे ग्रीन या ब्लू लगा के बैठना चाहिए था, सो दैट वो दिखता स्क्रीन पे। पर्सनली तो सारे कलर्स दिखते हैं। सी, अगर यहाँ पे ऐसे देखो तो आपको ये कलर डार्क लग रहा है, बट ये आईज पे ऑन स्क्रीन या फोटोज़ में इतना डार्क नहीं है। बट पर्सनली अगर आप कहीं पार्टी या कहीं जा रहे हो तो ये काफ़ी बेटर है पिगमेंटेशन इसकी। ब्लू थोड़ा सा रॉयल ब्लू काइंड ऑफ है ये, एंड आर फेवरेट ब्लैक। वो कलर्स एंड इसका रिमूवल कैसे होता है, मतलब वैसे तो स्मज वगैरह नहीं होता बेसिकली, अनलेस आपके आईलिड्स ऑयली होते रहेंगे, वरना तो ये स्मज वगैरह नहीं होगा। एंड सेकेंडली, ये शायद है ना, इस मैंने एक बार ट्राई किया था तो इट गेट रिमूव्स लाइक अपना स्केच लाइनर कैसे एकदम ऐसा पील ऑफ हो जाता है, वैसे पील ऑफ होता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टेन योर आईज या नीचे उतर आएगा या ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो
वैसा भी जिसको ठीक लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। सी अभी ये इतना ही पोर्शन ड्राई हुआ है, ऐसा कुछ निकलता भी नहीं, अगर आपने आँख ऐसे ऐसे कर ली तो निकलेगा भी नहीं ऐसा कुछ। सो मेरे ख्याल से अगर जिनको कलर्स पसंद है आईलाइनर में, दे कैन गो फॉर दिस। और माइग्लैम की वेबसाइट पे हमेशा ऑफर्स रहती है, यू नीड टू जस्ट सर्च लिटिल बिट के क्या ऑफ़र है, किधर है। कभी 50%, कभी 60% ऑफ रहता है, कभी बाई टू गेट थ्री, मतलब बाई टू गेट थ्री वो लोग मेंशन नहीं करते, बट उनका परसेंटेज वाइज जो ऑफ आता है ना, उस राउंड एंड राउंड मिला के वही होता है। सो ये अभी आज के ये वीडियो के लिए इतना ही है फॉर आईलाइनर्स। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।